इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रेट लेक्स इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल है। ये ऑल ओवर इंडिया में टॉप 50 बिजनेस स्कूल के अंडर में आता है और यहाँ पे है 100% प्लेसमेंट रेट। लेकिन कई सारे इश्यूज भी है इस बिजनेस स्कूल में, तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले ये इन सारी चीजों को तुमको जानना चाहिए। 10 पार्ट्स में सारी चीजों को मैंने कवर किया है इस कॉलेज का। सो वॉच दिस फुल वीडियो, यू विल गेट द क्लैरिटी। अराउंड 20 ईयर हो चुका है इस बिजनेस स्कूल का और इनका कैंपस साइज 32 एकर का है। इसका मतलब मीडियम साइज का कैंपस है और NIF रैंकिंग इनको मैनेजमेंट में 31 मिला है। दैट्स रियली अमेजिंग। PGDM का टोटल फीस यहाँ पर 14,10,000 है और हॉस्टल फी 5,85,000 है। सो टोटल एजुकेशनल फीस हो गया 19,95,000। इसका मतलब अराउंड 20 लाख पड़ जाएगा पूरा कंप्लीट पैकेज। एलिजिबल होने के लिए तुम्हारे पास 60% एग्रीगेट होना चाहिए 10th, 12th और अंडर ग्रेजुएशन में। और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कैट, सीमेट, जेट, सीमेट एक्सेप्ट करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास 3 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा होगा तो तुम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन स्टार्ट 1 अगस्त से ही हो चुके हैं और 1 दिसंबर को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, तो उससे पहले अप्लाई करो जल्दी से जल्दी। मे बी थोड़ा बहुत टाइम में एक्सटेंड भी हो सकता है डेट, सो वो तो बात की बात है। एंड अगर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करते हो, आई मीन कैट में अराउंड 85 परसेंटाइल लाते हो, इसके बाद पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस और वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुम्हारे पास GTPI के कॉल आ जाएगा। एंड दैट्स इट। यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट प्रीवियस ईयर में 46 LPA था और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर था 14.5 LPA। इससे क्या पता चलता है, क्लियरली ROI का इशू है यहाँ पर। कैंपस में 60+ कंपनीज विजिट किया था और उसमें से कई सारे टॉप कंपनीज थे और अलग अलग सेक्टर से कंपनीज यहाँ पर विजिट किया था। BFSI, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव, FMCG एंड रिटेल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और जो टॉप कंपनीज आए थे वो बहुत ज्यादा फेमस है, आदित्य बिरला कैपिटल, डेलॉयट, बारक्लेज, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा मोटर्स, HSBC। एंड दैट्स इट। ये था प्लेसमेंट का ओवरव्यू। इनके पास 50 से ज्यादा ऐसे फैकल्टीज हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग का और कई सारे टॉप बिजनेस स्कूल्स में ये पढ़ा चुके हैं। एंड यस, ज्यादातर PhD होल्डर्स यहाँ पे तुमको फैकल्टीज मिलेंगे। एंड दैट्स वेरी ग्रेट। और फैकल्टीज पर्सनल लेवल पे भी तुमको हेल्प कर देते हैं। हॉस्टल यहाँ पर मैंडेटरी है क्योंकि क्लासेस कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं। सुबह 6 बजे भी क्लास स्टार्ट हो सकता है और 10 बजे रात तक क्लास चलता रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि डेली क्लासेस इस तरह का होता है, नहीं, कभी भी हग दिया। इसका मतलब ये नहीं कि डेली ऐसे ही क्लासेस होते हैं, नहीं, ये कभी कभी इस तरह का क्लासेस कराए जाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और कैंपस में 5 हॉस्टल है जिसमें 3 बॉयज का है और 2 गर्ल्स का है। मोस्टली हॉस्टल रूम तुमको यहाँ पे सिंगल और डबल मोस्टली हॉस्टल रूम तुमको यहाँ पे सिंगल और डबल ऑक्युपेंसी में मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर 100% प्लेसमेंट लग जाता है हर एक स्टूडेंट को और कंसिस्टेंसी के साथ ऑल ओवर इंडिया में टॉप 40 बिजनेस स्कूल्स के अंडर में आता है, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत टफ है। और बाकी यार बहुत अपॉर्चुनिटीज तुमको यहाँ पे मिलेंगे, सीरियसली नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जबरदस्त है क्योंकि यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा वास्ट है। कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल है और लाइफ इज अमेजिंग है। मेरा मोबाइल बज रहा था क्या? नहीं ना। इनका करिकुलम डिजाइन इंडस्ट्री फोकस्ड है जिसमें केस स्टडीज और लाइव प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट में यही बोलूंगा, ये इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस स्कूल ब्रांड है। यस, लिटरली। और हाँ यार, इनके पास चेन्नई के अलावा और एक कैंपस है, गुड़गांव का कैंपस, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। कॉन्स के नाम पे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का कंप्लेंट्स है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा तुम लोगों को। पहला तो यार हाई फीस। यस, अगर तुम ROI भी देखोगे तो फीस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया वो है 10% इनटेक पर ईयर इंक्रीज कर रहा है कॉलेज, जिसके वजह से क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और यहाँ फाइनेंस का एरिया ठीक है लेकिन बेटर हो सकता है। ओनली 13% स्टूडेंट्स फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हैं, जो कि कम है। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे बताया कि यहाँ पे PGDM से ज्यादा अच्छा है PGPM करना, जो 1 साल का कोर्स है। इनके पास यार इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, फुटबॉल कट फुटबॉल टेबल
फुटबॉल सच में एक गेम है, बट इसको कट करना नहीं डालना है मुझे पकचोदी वाला गेम या अमीरों का गेम है। और इनके पास स्पोर्ट्स टीम भी है जो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, तो अगर तुमको स्पोर्ट्स पसंद है खेलना तो अच्छा फैसिलिटीज है यहाँ। इनके पास ऑप्शनल सेमेस्टर अपलोड प्रोग्राम है जिसके थ्रू तुम इंटरनेशनल लेवल पे अलग बिजनेस स्कूल्स में जाके अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर सकते हो। इनका कई सारे इंटरनेशनल टाइप है यूएसए और यूरोप में, और यहाँ पे मैंडेटरी लैंग्वेज लर्निंग भी अवेलेबल है स्पेनिश और चाइनीज, इन दोनों में से एक को तुमको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे कर्म योगा भी कराया जाता है, रियल कर्म योगा टाइप का नहीं, मतलब नाम है लीडरशिप प्रोग्राम जिसके थ्रू तुमको रियल लाइफ लीडरशिप सिखाया जाता है। यहाँ पे मेन फाइनेंस मार्केटिंग ऑपरेशन एनालिटिक्स अवेलेबल है, और कई फंक्शंस अवेलेबल है जिसमें तुम मेजर और माइनर चूज कर सकते हो, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, आईटी कंसल्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, इस तरह के कई सारे ऑप्शंस तुमको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये था यार ओवरऑल रिव्यू ग्रेट लेक्स का। अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है अपने करियर को लेकर या किसी कॉलेज को लेकर या इस कॉलेज को लेकर तो व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके, और चैनल को करो सब्सक्राइब यार, क्योंकि करना चाहिए। अबे करना चाहिए मतलब क्या, मतलब कुछ भी क्यों सब्सक्राइब करूं मैं? देखो सबसे पहले तो यार MBA से रिलेटेड तुमको कंटेंट मिलेंगे जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है तुम्हारे लिए, अगर नहीं करोगे फिर तो नरक में चलोगे।